तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल एमडी क्लासेस को एंड क्लिक करिए बेल आइकॉन पे इम्पोर्टेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी क्लास के यूट्यूब चैनल में। तो टारगेट एनटीपीसी को टारगेट करते हुए ये है मैथ्स का मॉडल प्रैक्टिस सेट छठा, जो आप सभी के परीक्षाओं के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की मैं सीरीज आपको करा रहा हूँ जिसमें ये छठी प्रैक्टिस सेट है। तो जरूर देखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, मेरा नाम है सत्यन गुप्ता। आई हैव स्कोर्ड 50/50 मार्क्स मैथ्स में एसएससी सीजल 2017 मैंने स्कोर किया हुआ है। तो मैं आपको वही चीजें सिखाऊंगा जिससे आप मैथ में कम से कम समय में ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ विद 100% एक्यूरेसी। तो चलिए सीरीज को शुरू करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन पर क्लिक करिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन से बात करते हैं, जो काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझते चलेंगे क्वेश्चन को, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है। यानी अगर वो 40 रुपए में 45 आम बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो 24 में कितना आम बेचे कि उसे 20% का लाभ हो, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो हमें इस बात को समझना है। वो 40 रुपए में 45 आम बेचता है, ठीक है, तो एक आम कितने का हुआ, हम ये कैसे निकालेंगे। एक आम कितने का होगा, तो रुपए वाले को हम लोग ऊपर रखते हैं और जितनी सामान है, जितने ऑब्जेक्टिव है, जितनी वस्तुएं हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको हम लोग नीचे रखते हैं। इस चीज को हम लोग समझेंगे कैसे, इसको हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप किसी दुकान पे जाते हो और आपको 10 रुपए में 5 सामान मिलते हैं, आपको 10 रुपए में 5 ऑब्जेक्ट मिलते हैं या फिर 5 सामान मिलते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि जो एक सामान है वो कितने का है, वो 2 रुपए का है कि नहीं है। तभी तो हमने उस दुकानदार को 10 रुपए दिया और उसने हमें 5 सामान दिया। क्यों? क्योंकि एक सामान, रुपए को हमने ऊपर लिखा, सामान को नीचे लिखा, तो एक सामान मेरा आ गया 2 रुपए का। तो यहां से हम लोग एक आम का जब वैल्यू निकालेंगे तो 40/45 आएगा, ठीक है। उसे क्या हुआ है कि बेचने पे 20% की हानि हुई है, खरीदने पे नहीं हुई, यानी कि क्रय मूल्य पे नहीं हुआ। और जब भी अगर हमें लाभ होता है या जब भी अगर हमें हानि होता तो हमें किस पे होता है, क्रय मूल्य पे होता है ना। लेकिन उसे बेचने पे हुआ है तो हम इसे हानि को 80/100 लिख के ना करके हम 100/80 करेंगे, क्योंकि हम इसको उल्टा क्यों करते हैं। मैंने आपको इस तरह के क्वेश्चन कई बार करवा दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विक्रय मूल्य की बात किया गया, उसे बेचने पे हानि हो रहा है, ठीक है। अगर खरीदने होता तो 80/100 कर देते। अब ये पूरा का पूरा हमारा क्या बन जाता है, क्रय मूल्य बन जाता है। इस पूरे के पूरे पे उसे चाहिए 20% का लाभ, क्योंकि ये क्रय मूल्य बन गया है, इसीलिए हम उसे ऊपर अगर लाभ चाहिए तो 100 में हमने 20 जोड़ दिया यहाँ पे ऊपर और डिवाइड कर दिया हमने 100 का। और आपसे पूछा है कि वो 24 रुपए में, रुपए को हमेशा ऊपर रखेंगे, कितने आम बेच दे। इतनी बात सभी को समझ में आई है कि नहीं आई है, ये इक्वेशन को समझाने के लिए बहुत बेहतरीन तरीका है कि हम इस इक्वेशन को किस तरीके से आसानी से समझ सकते हैं, उसका यही एक तरीका है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि रुपये को हम लोग ऊपर रखेंगे और चीजों को हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब काटिए, 40 से काटे, 40 × 80, ठीक है। ये 100 से ये 100 आपने काट दिया, 2 से आप काट दीजिए, ये 60 बार आपका कट गया। या फिर आप 2 अभी यहीं पे रहने दीजिए, और भी आसानी देखिए करते हैं। 24 × 24, 24 × 25, 120, पूरा का पूरा कट जाएगा। 5 × 9 = 45 और 9 × 2 = 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 9 × 2 = 18 आ गई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर विक्रय मूल्य पे होगी या फिर बेचने पे होगा तो हम लोग चीजों को उल्टा करके लिखते हैं, तो फिर वो पूरी की पूरी जो चीजें वो हमारी क्रय मूल्य में चेंज हो जाती है। बस हमें यही कॉन्सेप्ट को समझना था और क्वेश्चन विद इन सेकंड हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। हमें इतना एग्जाम में सोचना ही नहीं एग्जाम में कि हम इतना कैसे करेंगे, हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। जिन जिन बच्चों को क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया है वो जल्दी से बोल दे नेक्स्ट, ताकि हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में बात कर सके कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ठीक है। जिन भी बच्चों का क्वेश्चन क्लियर हो गया सभी बच्चे नेक्स्ट बोल दो, ताकि हम लोग अगले वाले क्वेश्चन में बात कर सके कि अगला वाला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। समझिए क्या कहता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। कहता है एक मेज का जो अंकित मूल्य है वो 300 रुपए है। यानी कोई मेज है जिसकी जो प्राइस है, जो उसकी एमआरपी है, जो उसकी अंकित मूल्य है वो 30 रुपए है। उस पर 2 छूट दिया गया, पहला छूट आपको दिया गया 20% का और दूसरा आपको दिया गया है 10% का। इसके बाद भी अगर आप उसको नगद पैसा देते हो, अगर आपको तुरंत उसे पैसा दे दो, तो वो कहता है कि भैया आपको 5% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये बताओ कि उसकी जो प्राइज है वो कितनी प्राइज है, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि उसकी आपकी प्राइज एक्चुअली में कितना पड़ेगा अगर आप उसको नगदी सामान देते हो, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 300 रुपए उसका प्राइज है, ठीक है। इस पे वो क्या कर रहा है, आपको 20% की छूट दे रहा है, यानी उस पे क्या कर रहा है वो, इसकी 80% वैल्यू ले रहा है,
20% का छूट देना, मतलब कि 100 में से हमने 20 माइनस कर दिया, हमारे पास आया 80, और ये तीन जो का सामान था हमें सिर्फ और सिर्फ 80% में पड़ रहा है, तो हमारा 8 3 24, क्योंकि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, हमारा सामान कितने का पड़ रहा है पहले 240 का पड़ रहा है। फिर इस पे वो क्या कर रहा है, 10% का और दे रहा है आपको डिस्काउंट देने, फिर उसकी 90% वैल्यू ले रहा है, फिर आपने काटा ये सब चीजें काट दी, आपको कितना आ गया सामान 216 का आ गया। इसके बावजूद फिर वो क्या कर रहा है, आपको 5% का इसका डिस्काउंट दे रहा है, यानी फिर आपको उसकी सिर्फ और सिर्फ 95% वैल्यू लग रही है, तो फिर कितना आ जाएगा 205.20। ऑप्शन नंबर आपका कितना आ जाएगा, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा। अब कहोगे सर ये हम कैसे बताया कि हमारा डी सही होगा, आप तो चलिए आपको कैलकुलेशन तेज या आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन हम कैसे करेंगे। मैं कहूंगा बच्चे 216 तक तो सॉल्व कर लोगे ना, क्योंकि यहां तक तो कोई भी पॉइंट आ नहीं रहा है, तो हम 216 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत का, बिना किसी परेशानी का। इसका 95% वैल्यू निकालना हमें, तो हमें देखा यार ये तो बिल्कुल कट नहीं रहा है, यानी आंसर हमारा पॉइंट में ही आएगा। और इन सभी के सभी ऑप्शन में, क्योंकि उसने मुझे एक्सपेक्टेड नहीं कहा बताने को, उसने टोटल कहा कि कैश वैल्यू बताइए, तो हमें सही ऑप्शन जो है वो बिल्कुल डी लग रहा है, क्योंकि वही एक पॉइंट में और हमारा आंसर भी पॉइंट में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट और सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर बच्चे का क्लियर है ना, तो सभी बच्चे जिन जिन बच्चों को क्लियर हो गया वो नेक्स्ट बोल दीजिए, ताकि हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर डिस्कशन कर सके। और ये बताइए कि आपको सेशन में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, और ये बता दीजिए कि इस तरीके की डेली वीडियो आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, जरूर बताया करिए। ठीक है, डेली सुबह मैं कोशिश यही करूंगा कि आपको वीडियो में दे दिया करूँ, आपको जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको सभी के सभी मिल जाए करें। अगला क्वेश्चन आता समझिएगा, एक पुस्तक विक्रेता छपे हुए मूल्य पर, यानी जो उसका एमआरपी छप गई थी उस पर 8% का वो छूट देता है, और इसके बावजूद वो 15% का लाभ कमाता है। मतलब समझ रहे हो कि वो 8% का छूट देता है, लेकिन वो फिर भी 15% का लाभ कमाता है। तो ये बताइए क्रय मूल्य और छपे मूल्य का अनुपात कितना है, कि जो क्रय मूल्य उस पर लिखा है और जो उसे मूल्य छपा है, उन दोनों का रेशियो कितना, आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया। कुछ भी नहीं करना होता मेरे बच्चों, 15% का लाभ कमाता ना, यानी 115 हो गया, और 8% डिस्काउंट यानी कि 92 हो गया। ये किससे कर सकता है, किससे कर सकता है, किसी को आइडिया है कि ये किस नंबर से कर सकता है, किसी भी चीज से कर सकता है, किसी भी नंबर से कर सकता है? मुझे लग रहा है किसी से कर सकता है, आप बताओ जरा किससे कर सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ कि कर सकता है। किसी को आइडिया है, किसी को भी आइडिया है किस नंबर से ये कर सकता है, किसी भी मेरे बच्चे को, किसी भाई बंधु को कोई भी आइडिया कि हाँ सर ये इससे कट जाएगा। 8% का डिस्काउंट दे रहा है, 92% वैल्यू ले रहा है, और 15% का प्रॉफिट हो रहा है, 115 हो गया। ठीक है, 23 से कटेगा क्या ये, 23 से कटेगा, 23 चौका कितना होता है, 23 चौका कितना होता है बच्चों कौन बताएगा, 23 चौका 92 और 23 25 115, तो रेशियो कितना आ गया मेरे बच्चों, 4 और 5 का रेशियो आ गया। ठीक है, हमने कैसे जाना यार 23 से कटेगा, हमने देखा कि 4 यहाँ पे आ रहा है, 8 आएगा तो 8 से तो कुछ कट नहीं रहा भैया, 4 आ रहा था यानी हमारा आंसर सही होगा, 45 वाला तो वैसे भी नहीं होगा, 15 तो वैसे भी नहीं होगा, है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? तो अभी तक मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के लेवल कराए हुए, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और जो हर कोई नहीं करता है, जो सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे तैयारी कर रहे हो आप ही सिर्फ कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। और देखिए इसके अलावा जो आपको फिजिक्स के वीडियो डेली मिलना है, इसके अलावा जो आपको केमिस्ट्री के वीडियो डेली मिलना है, टॉप 10 क्वेश्चन जो मिलना है वो जरूर देखिए, जो नोटिफिकेशन आती रहती है वो भी हम लोग कराते रहते हैं, और पूरी तरीके से एमडी क्लास में हम लोग जुट गए हैं और आपको बेहतरीन तैयारी हम लोग कराते हैं। अगर बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो बेसिक्स के लिए आप मुझे अनअकैडमी पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं प्लस कोर्स पे लेकर आ गया, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, 800 रुपए आपको एक महीने का वहां पे पे करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आप सिर्फ मेरे ही कोर्स नहीं देख पाओगे, आप हर एक टॉप एजुकेटर के कोर्स देख सकते हो। ठीक है, ये कोड नीचे लिखा हुआ उसका यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको सिर्फ और सिर्फ 720 का वो कोर्स पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, किसी वस्तु पर 10% छूट देने पर जो लाभ होता है वो 20% का लाभ होता है, यानी अगर आप उस पर 10% का छूट दोगे तो आपको जाके वहां पे 20% का लाभ होगा, अगर छूट को 20% कर दिया जाए तो लाभ कितने का होगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। पहले हम उसको 10% का छूट दे देते तो हमें 20% का लाभ होता था, अब छूट हमने बढ़ा दिया तो लाभ हमें कितना बढ़ जाएगा, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रॉफिट हमें कितना बढ़ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिए, और इस क्वेश्चन को मैं कल वाले सेशन में कराने वाला हूं, जो कल वाला सेशन आएगा यानी इसका जो 7वां पार्ट आएगा उसमें मैं इस क्वेश्चन को सबसे पहले कराऊंगा, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीका है, आप में से बहुत सारे बच्चे इसका लेंदी तरीका लगाते हो, तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो लेंदी लगाते हो बिल्कुल गलत तरीका है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आएगा। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ, ऐसे मैं मुझेवानी बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, कल मैं बताऊंगा इसका पहला क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, बात करते हैं क्या कहता है, समझिएगा क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। एक चुनाव में कुल मिला के 7500 वोट पड़े, कोई चुनाव हुआ जिसमें 7500 कुल मिला के वोट उसमें पड़े हुए हैं। ठीक है, 20% जो वोट थे वो इनवैलिड हो गए, और जो विजयी उम्मीदवार था, जो जीता हुआ था, उसको 55% वोट्स मिले, तो ये आपसे पूछा गया, जो हारा हुआ है उसको कितने वोट्स मिलेंगे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ठीक है, अच्छा मेरे बच्चों ये बताओ कि अगर 7500 वोट्स जो थे उसमें से अगर 20% इनवैलिड हो गए, यानी 7500 का सिर्फ और सिर्फ 80% जो वोट्स थे वही वैलिड थे कि नहीं थे,
मेरी बात को बहुत ध्यान समझना, जो 7500 है इसका सिर्फ और सिर्फ 20 आपका जो अगर 20% इसमें इनवैलिड हो गया, यानी सिर्फ और सिर्फ 80% वैलिड है। इन वैलिड ओट्स का अगर 55% पहले वाले को मिला है तो दूसरे को कितना मिला होगा, 45 मिला होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल मिला होगा ना, हमसे दूसरे का ही तो पूछा गया है। अगर पहले वाले को 55 मिला है तो दूसरे वाले को 45 मिला होगा, क्योंकि दोनों मिला के 100 आना चाहिए और इसी की वैल्यू हमें बताना। तो 2700 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2700 ऑफ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर लगा दोगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे करोगे, ये दोनों से जो काटो, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से काटो ये आपका 20 आ गया। ठीक है, 3 × 6 और यहाँ पर 45 से मल्टीप्लाई कर दो, बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत होगा जो जरूर बताएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। चलिए बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। समझिएगा, गोले की त्रिज्या में अगर आप 50% की वृद्धि कर देते हो तो उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? त्रिज्या में हम 50% का इंक्रीजमेंट करते, याद रखिएगा कि हमने त्रिज्या में 50% का इंक्रीजमेंट करा है तो उसके आपसे कहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने का इंक्रीजमेंट होगा। ठीक है, तो मेरी बात को समझिएगा कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल तो मुझे पता करना पड़ेगा, ऑप्शन आपको गलत दिए हुए हैं। पहले तो मुझे ये पता करना पड़ेगा कि अगर कोई भी गोला है, कोई भी स्पीयर या फिर कोई भी सर्किल है, क्योंकि यहाँ सर्किल लिखा गया ये स्पीयर होगा। ठीक है, अगर कोई भी स्पीयर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4πr² होता है, है कि नहीं है? 4πr² होता ना। अगर यहाँ यहाँ पर जल वो r था, अब वो 50% बढ़ गया, यानी अब 150/100 हो गया, है कि नहीं? ये 50% बढ़ा तो 150/100 हो गया, यानी अब कितना हो गया, वो 3/2r हो गया। अब क्या हो गया, वो 3/2r हो गया। पहले जो r था अब वो कितना हो गया, 3/2r हो गया। तो कितना बड़ा, 1 से 3/2 हो गया, तो कितना बड़ा, ये जल्दी से बताओ, 2 कम 2 3 तो 5/2 ये बढ़ा पहले से, है कि नहीं है? 5/2 बढ़ा, तो हम परसेंटेज वृद्धि बताएंगे, तो 5/4 × 100 आपका 125% वो बढ़ जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बताइए सभी को आज वाले सेशन में समझ में आई सारी की सारी चीजें? ये कुछ और क्वेश्चन बचे रहेगा जिसको हम अगले वाले सेशन में सॉल्व करेंगे। कमी क्वेश्चन इसलिए रखे ताकि आपको चीजें समझ में आए, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाए तो उसको हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कशन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से डिस्कशन करेंगे, बेहतरीन वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, तो वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक एंड शेयर। रेलवे एग्जाम्स में अर्थमेट्रिक और एडवांस मैथ्स 40 से 50% पोर्शंस को कवर करते हैं, और इसमें एक अच्छा स्कोर करने के लिए आपके बेसिक्स का क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने खुद एसएससी सीएल के मैथ सेक्शन में 50 out of 50 मार्क्स स्कोर किया है। मेरे कोर्सेज में आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स और शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगे जिससे आप मैथ के हर एक क्वेश्चन को विद इन सेकंड सॉल्व कर पाओगे। मैं हूँ सत्यम गुप्ता और मैं अनअकैडमी प्लस पर लाइव पढ़ाता हूँ।